Hi everyone, once again welcome to my channel. अभी शाम के 6 बजने को है एंड मैं 5 बजे घर पे आई तो मैंने देखा कि मम्मा अपनी तैयारियां वैयारियां कर रही हैं, क्योंकि आज तीज है तो तैयारियां होना ऑब्वियस सी बात है एंड अभी ऑलमोस्ट पूजा का टाइम भी होने ही वाला है, तो बस चलो देखते हैं क्या क्या मम्मी तैयारी कर ली। और मैंने छोटी सी कलाकारी की है 5 मिनट में जो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन इससे पहले चलो देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मम्मी अपने पूरे पूजा की तैयारी कर चुकी हैं। जितने भी सामान चाहिए यहाँ पे उन्होंने पूजा की अलमारी पे अच्छे से लगा लिया है। यहाँ पे फूल वगैरह है और ये सामान है जो कि माता जी को चढ़ेगा, कंघी शीशा हर चीज़ नया ही रहता है, चूड़ी होगी, मतलब सब कुछ रहता है। और यहाँ पे फल वगैरह है, मिठाई है, पान का पत्ता है और ये मैंने रंगोली बनाई थी 5 मिनट में। ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका था पूजा करने का और यहाँ पे मॉम अपनी पूजा शुरू कर चुकी हैं। पूरा जैसे जैसे किया जाता है तीज पूजा वैसे ही कर रही हैं। पूजा टाइमली हो गई थी और इसके बाद तारा भी निकल आया था लगभग 7:30-8 बजे के करीब, तो मम्मा गई तारे देख ली और इसके बाद अपना मतलब चाय नाश्ता जो भी करना था, नाश्ता तो किया नहीं जाता इसमें, चाय पिया जाता है, पानी वगैरह पीना पूरा दिन निराजल व्रत थी। तो पूजा कंप्लीट हो गई है मॉम की एंड अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए और मम्मा अपना काम कर रही हैं, क्लोथ्स फोल्ड कर रही हैं। ये देखो यहाँ पे ये मॉम अपनी साड़ी फोल्ड कर रही हैं और कुछ कपड़े और हैं वही फोल्ड करना था, मॉम कर रही हैं और मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। शाम को जब मैं घर आई और इसके बाद मॉम की पूजा में मैं थोड़ा बिजी हो गई कि मुझे होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिला, फिर मैं जब फ्री हो गई थी रात में तो मैं बैठ के पढ़ाई कर रही थी। और जब तक मैं पढ़ाई की तब तक मॉम खाना भी बना ली हम लोगों के लिए, उन्हें तो खाना नहीं था, बस मैं पापा और भाई हम ही तीनों लोगों के लिए बनाई।
डिनर में मम्मी बनाई थी पनीर की सब्जी, चपाती एंड राइस, स्पेशली मेरे लिए राइस। चलो इस बार हम